Hello students, how are you? I hope all of you are well. Now I am present here for presenting monohybrid cross from heredity chapter of class 10 from lesson 3. You have already learned about monohybrid cross in pea plants. Now you have to learn monohybrid cross in guinea pig. How it is possible? Homozygous black मतलब capital B homozygous मतलब दोनों ही capital B और homozygous white मतलब small B दोनों ही small B. तो इसमें से F1 जेनरेशन में जो गैमेट है वो क्या है, हेटेरोजाइगस ब्लैक, हेटेरोजाइगस माने एक स्मॉल बी और एक कैपिटल बी, कैपिटल बी और स्मॉल बी दोनों मिला के क्या होता है, हेटेरोजाइगस ब्लैक. अरे इसमें क्रॉस होने के बाद F2 जेनरेशन में क्या गैमेट फॉर्म होगा, कैपिटल बी स्मॉल बी. क्रॉस करो इधर कैपिटल बी स्मॉल बी माने एक होच्चे दो ही कैपिटल बी माने प्योर ब्लैक, दो कैपिटल बी माने प्योर ब्लैक. ये देखो यहाँ पे एक कैपिटल बी स्मॉल बी मतलब हाइब्रिड ब्लैक, अर्थात यहाँ पे कैपिटल बी होच्चे डोमिनेंट और स्मॉल बी होच्चे रिसेसिव. तो हाइब्रिड लेकिन कैपिटल बी का कैरेक्टर यहाँ पे क्या होगा, एक्सप्रेस होगा, इसीलिए हाइब्रिड ब्लैक. और यहाँ पे स्मॉल बी माने प्योर व्हाइट. तो फिनोटाइप में क्या होगा, 3:1 1 2 3 3 ब्लैक का कैरेक्टर एक्सप्रेस होगा, तो 3 और 1 होच्चे व्हाइट का कैरेक्टर एक्सप्रेस होगा, तो 3:1. और जीनोटाइप क्या होगा, 1:2:1 माने 1 प्योर ब्लैक, 2 हाइब्रिड ब्लैक और 1 प्योर व्हाइट, इसलिए 1:2:1. तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस इन गिनी पिग. And 7 characters and contrasting features in pea plants. Pea plant जो Mendel choose किया है उसमें से 7 characters क्या क्या है, ये कुछ length of vine और तक vine बा उसका जो pea plant का जो vine मतलब पतला सा जो stem जो दूसरा पेड़ के ऊपर चढ़ता है उस stem के द्वारा, उसका length क्या है, एक तो टॉल है और एक ड्वार्फ है. टॉल होच्चे 1 meter, ड्वार्फ होच्चे 0.5 meter. फ्लावर का कलर कैसा है, पर्पल एंड व्हाइट. पोजीशन ऑफ फ्लावर, फ्लावर का पोजीशन कैसा है, एक्सियल, एक्सियल मतलब ये जो स्टेम के दो साइड में होता है, टर्मिनल, टर्मिनल मतलब एकदम अपर पोर्शन में. कलर ऑफ सीड, सीड का कलर येलो ग्रीन. शेप ऑफ सीड, सीड का शेप कैसा है, राउंड एंड रिंकल, पूरा राउंड होता है और रिंकल मतलब उसके अंदर थोड़ा जो भांज भांज दिखाई देता है, एकदम फुल राउंड नहीं है. शेप ऑफ पॉट, पॉट का शेप कैसा है, जिसके अंदर सीड रहता है, इन फ्लैटेड, फ्लैट भी हो सकता है, कॉन्स्ट्रिक्टेड अर्थात एकदम पूरा फ्लैट नहीं, थोड़ा खाँच खाँच हो सकता है, पूरा फ्लैट नहीं होता है, दूसरे कहता है कॉन्स्ट्रिक्टेड. कलर ऑफ अनराइप पॉट, अनराइप पॉट का कलर क्या है, जैसे ग्रीन भी हो सकता है एंड येलो, ग्रीन एंड येलो दो कलर. पहले ये है 7 कैरेक्टर्स इन पी प्लांट्स जो मेंडेल ने चूज किया था. अच्छा, रीजंस बिहाइंड मेंडेल सक्सेस, मेंडेल का सक्सेस के पीछे वजह क्या था, रीजन क्या है, क्योंकि मेंडेल चूज पी प्लांट, पी प्लांट चूज किया, इसीलिए पी प्लांट इज
इजी टू कालचार, जिसको कालचार करना बहुत आसान है, इजीली अवेलेबल, इजीली मिलता है उसको। फिनोटाइप कैरेक्टर्स आर वेरी प्रोमिनेंट, जिसका फिनोटाइप जो कैरेक्टर होगा जैसे टॉल, ये बहुत प्रोमिनेंट है। केयरफुल रिकॉर्डिंग रिजल्ट्स, जो रिजल्ट मिला था उसको मेंडल केयरफुली रिकॉर्डिंग किया है। तो सबसे बड़ा सक्सेस है मेंडल का ये पी प्लान चूज करने से। अंडरस्टैंड नाउ, लर्न एंड प्रैक्टिस मोनोहाइब्रिड कॉज बाय यूजिंग चेकर बोर्ड। यू हैव टू प्रैक्टिस Always with checkerboard and learn definition of monohybrid cross, dihybrid cross, law of independent assignment, law of segregation, ये सब, and practice monohybrid, dihybrid cross by using checkerboard. Understand? Now enough for today. Next day I will discuss about another topics. Thank you for watching.